सीबीआई बहुत तेजी से नीट पेपर लीक की जांच में जुटी हुई है। एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार को पटना लाया गया। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से इस पत्रकार का रिश्ता था। कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल चुकी है। सीबीआई की नीट मामले में गुजरात के 7 लोकेशंस पर जांच और सर्च चल रही है। 4 जिले की 7 लोकेशंस पर छापे सीबीआई ने मारे हैं। गोधरा, खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद जिलों में भी छापे चल रहे हैं। तो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को तो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जो व्यक्ति जिसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक स्थानीय पत्रकार है और ये स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ था और इस पेपर लीक में ये भी शामिल है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो पहली ये गिरफ्तारी है जो किसी पत्रकार की है तो इस मामले में हुई है, और इस पत्रकार का नाम है जमालुद्दीन, जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ये तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। दिल्ली स्कूल से पेपर जो लीक हुआ वो एसएस स्कूल, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं, पटना, और पटना से जहां सीबीआई ने बच्चों को उत्तर रटवाए गए थे, वहां से 2 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। एनटीए का वो ऑफिस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लगातार सवालों के घेरे में, जिसके डीजी हटाए गए थे और एनटीए से पेपर भेजे गए थे। हजारीबाग एनटीए पेपर भेजती है नीट करवाने के लिए। अब ये देखिए यहां पर कहां से कहां गया पेपर। हजारीबाग स्कूल से पेपर लीक हुआ है, ओएसएस स्कूल से। रांची पेपर को सॉल्व करवाया गया, यानी कि जो प्रश्न थे उसके उत्तर यहां पर करवाए गए। पटना लर्न प्ले स्कूल, यहां पर बच्चों को उत्तर रटवाए गए, और ये इस तरह से नीट पेपर यहां से चला यहां है। आप देखिए दिल्ली एनटीए से पेपर भेजा गया, हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर को, हजारीबाग में वहां मिला और उस हजारीबाग में ही इस एक बैंक को भेज दिया गया। फिर बैंक से ओएसएस स्कूल को आया और यहीं पर पेपर लीक हुआ, और उसके बाद लीक पेपर की कॉपी पटना भेज दी गई। तो 1, 2, 3, 4, 5 जगह ये गया और वहां पर लीक हुआ। अब तक कुल मिलाकर 40 लोग इस नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। सबसे ज्यादा 15 लोग पटना से गिरफ्तार हुए हैं, राजस्थान से 10, झारखंड से 8, गोधरा से 5, लातूर से 2, यानी कि विभिन्न राज्यों में ये इसका नेटवर्क, नीट पेपर लीक का नेटवर्क फैला हुआ है। संजीव मुखिया, जो कि मुख्य सरगना आरोपी बताया जा रहा है, वो अभी फरार है और उसकी कोई जानकारी सीबीआई को नहीं मिल पा रही है। ईओयू ने अपनी सारी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और सारे के सारे केसेस अब सीबीआई के पास हैं। ओएसएस स्कूल झारखंड के हजारीबाग का शुरू से सवालों के घेरे में ओएसएस स्कूल था, और अब ओएसएस स्कूल से पेपर लीक का कनेक्शन पुख्ता होता जा रहा है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि पेपर अगर कहीं से लीक हुआ है तो झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से ही हुआ है। जिसके पास पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, जिस पर एनटीए ने भरोसा किया था, जो पूरे जिले में परीक्षा करवा रहा था, वही पेपर माफिया का मोहरा निकला। ध्यान से देखिए इस शख्स को। यह हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल एहसान उल हक है। इस पर नीट परीक्षा करा रही एजेंसी एनटीए को पूरा भरोसा था, तभी तो इसको हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज बनाया गया था। और ये इसी ओएसएस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। ये ओएसएस स्कूल में बने नीट परीक्षा सेंटर का इंचार्ज था, और यही दोनों पेपर लीक माफिया के मोहरे थे। इन्हीं की मिलीभगत से पेपर लीक होने का शक है, और आज ये दोनों सीबीआई की गिरफ्त में हैं। दोनों को हजारीबाग से हिरासत में लेने के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग से पटना लाया गया। पहले एहसान उल हक का ये फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है, लेकिन सच ये था कि एहसान उल हक की मदद से इसी ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। अब जो है ओएसएस स्कूल
के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी स्कूल भी और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं यानी प्रिंसिपल जो है एहसानुल हक। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ इसका पूरा सीक्वेंस समझिए। थ्योरी नंबर एक, कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था, इसको ई रिक्शा से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा, हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। थ्योरी नंबर दो, दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसएस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उनको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसएस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया ये राज एहसानुल हक उगलेगा। सुनिए कि कैसे सीबीआई की टीम ने ओएसएस स्कूल में सबूत जुटाए थे। एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहाँ से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। जो अंतिम टीम थी वो लेकर आई है। विजुअल में भी दिख रहा है कि हाथ में वो जो बक्स है और सील्ड पूरा है, यानी कि उन सबों को जांच होने के बाद और फिर देर रात इन लोगों ने लैपटॉप वगैरह खंगाला है। यहाँ से इस कांड में संजीव मुखिया जुड़ता है। ओएसएस स्कूल से लीक पेपर की कॉपी संजीव मुखिया को भेजी गई, जहाँ से गैंग के दूसरे मेंबर को मिली। यानी कुल मिलाकर इस पूरे कांड की सबसे अहम कड़ी ओएसएस स्कूल ही थी। यहीं पर यूजीसी नेट का पेपर भी होना था और माना जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी हजारीबाग से ही सारे सबूत जुटाए थे। पटना में जो जला पेपर का टुकड़ा मिला था वो भी उसी बॉक्स में भेजे गए पेपर का हिस्सा था जो ओएसएस स्कूल भेजा गया था। आज तक ब्यूरो। यूं तो अब तक पेपर लीक कांड में 5 राज्यों से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल इसमें पूरी तरह से साफ है और इनमें संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकली शामिल है। कुछ मुखिया के रिश्तेदार हैं तो कुछ अलग अलग संस्थाओं के लोग। सिलसिलेवार ढंग से हम देखते हैं कि किस किरदार का पेपर लीक में क्या रोल था। पेपर लीक की सारी कड़ियों को एक एक करके सीबीआई जोड़ती जा रही है और अहम किरदार अब शिकंजे में आते जा रहे हैं। हम आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किरदार नंबर एक, एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल। आरोप, पेपर लीक। इसी शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ओएसएस स्कूल में पेपर निकाला और आगे माफिया तक पहुँचाया। एहसानुल हक के ही संजीव मुखिया गिरोह से रिश्ते का शक बताया जा रहा है। ये 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। किरदार नंबर दो, संजीव मुखिया। आरोप, पेपर हासिल किया। संजीव मुखिया अब तक की कहानी के हिसाब से सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है। शक है कि उसने हजारीबाग से पटना और दूसरे राज्यों तक नेटवर्क फैला रखा था। उसने शातिर तरीके से हजारीबाग से पेपर हासिल किया और फिर आगे अपने गैंग के जरिए बच्चों तक पहुँचाया। हजारीबाग से पेपर लीक होने के बाद सबसे पहले माफिया संजीव मुखिया तक ही गया था। किरदार नंबर तीन, इम्तियाज आलम, वाइस प्रिंसिपल। आरोप, पेपर लीक में भूमिका। इम्तियाज ही ओएसएस स्कूल सेंटर का इंचार्ज था। शक है कि उसने एहसानुल हक के साथ मिलकर पेपर लीक किया। किरदार नंबर चार, चिंटू। आरोप, मुखिया से पेपर हासिल किया। ये नई उम्र का लड़का संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। पेपर हासिल करने के बाद मुखिया ने चिंटू को ही पेपर भेजा था। संजीव मुखिया ने अपने गुर्गे चिंटू को पेपर लीक के बाद प्रश्न पत्र प्रिंट आउट कराने के लिए भेजा था। चिंटू ने रॉकी को पेपर दिया ताकि उसको सॉल्व कराया जा सके। रॉकी ने पटना और रांची के एमबीबीएस स्टूडेंट के जरिए प्रश्न पत्र सॉल्व कराया। बाद में नीट का पेपर और उसका आंसर प्रिंट आउट कराकर चिंटू इसी सेफ हाउस लर्न प्ले हाउस पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को रखा गया था। किरदार नंबर पाँच, मुकेश। आरोप, बच्चों को सेफ हाउस ले गया।
मुकेश सेफ हाउस का मालिक है, जिसने उन बच्चों को सेफ हाउस लर्न प्ले हाउस पहुंचाया था जहां उनको उत्तर रटवाए जाने थे, वही खेम नीचक स्थित सेफ हाउस में पहुंचा था। आशुतोष लर्न प्ले स्कूल में रहता था, वो पहले ही सारा राज उगल चुका है कि कैसे 20 से 25 बच्चे लर्न प्ले स्कूल लाए गए थे और उत्तर रटवाए गए थे। कितने लड़के आए थे? रात में 5-7 लड़के आए थे, हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। उठे तो देखे कि सब मिला करके इन लोग का सब मने मनीषा और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके लोग 12 बजे निकले। हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हजारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसान उल हक और इम्तियाज आलम को लेकर पटना चली आई। पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक। संजीव मुखिया वो व्यक्ति है जिसके तार हर उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं जो पेपर लीक से संबंध रखता है। मुखिया ने ही बिहार से लेकर झारखंड तक अपनी जड़ें जमा रखी थी। वो खुद प्रधान रह चुका था और अपनी पत्नी को एलजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़वा चुका था। एहसान उल हक और इम्तियाज आलम से अब सीबीआई हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। शक ये है कि दोनों संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हुए थे और पेपर लीक करवाने के काम में शामिल थे। अब तक की सारी कड़ियां ये बता रहे हैं कि संजीव मुखिया ने आसान टारगेट के रूप में ओएसएस स्कूल को चुना था। हजारीबाग और नालंदा में मुखिया का अच्छा खासा नेटवर्क है और इसी की मदद से उसने पटना तक पेपर मंगाया। नाम संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, मकसद पेपर लीक से 700 करोड़ कमाना। मुखिया को पटना पुलिस से लेकर सीबीआई शिद्दत के साथ तलाश कर रहे हैं। उसके गैंग के गुर्गे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मुखिया फरार है, अग्रिम जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कभी यह शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था, उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए भी, और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है। हम आपको पेपर लीक के सबसे दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुखिया के देश भर के पेपर लीक माफिया के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से ही जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर काम करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ ये कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था उस गाड़ी को पकड़ लिया था, चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया, गाड़ी में पेपर बदल दिया गया, पेपर पूरी तरह से सील था। बाप बेटे इसी काम में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इनमें एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर सीबीआई को इसकी तलाश है। देर सवेर वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ेगा और तब पेपर लीक के खेल के सारे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कल सरकार ने पेपर लीक पर क्या कहा था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को सुनिए। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश की विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं।
आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? पेपर लीक को लेकर संसद सत्र के पांचवें दिन जमकर हंगामा हुआ। पूरे दिन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की, जो नहीं मानी गई। पेपर लीक को लेकर जमकर जुबानी युद्ध भी हुआ। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए, ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, सीबीआई पूरे देश में जबरदस्त छापे मार रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला इनके मॉनिटरिंग में चल रहा है। क्यों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द किया गया? क्योंकि उसमें कुछ डार्क वेब की शिकायत आई थी। ये तो छात्रों के हित में किया गया ना। नरेंद्र मोदी सरकार का कमिटमेंट है कि ये पेपर लीक करने वाले, चोरी करवाने वाले, रटवा कर पास करवाने वाले और लाखों कमाने वालों की कमर तोड़ी जाएगी। अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। कंस्ट्रक्टिव आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। देखिए ना, वह सौगतदा है, खाली झूठे बोलेंगे। ऐसा सिद्धांत कल हुआ है इंडिया जूट की मीटिंग में कि अपोजिशन नीट पर एडजॉर्नमेंट मोशन देगा और उस पर डिस्कशन का मांग करेगा। मैं भी एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, देखा जाए उसके अंदर क्या होता है। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा तो सरकार कह रही है कि हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। जब राष्ट्रपति का अभिवादन का चर्चा शुरू होता है तो इस बीच में कोई एडजॉर्नमेंट मोशन, कोई मोशन नहीं रहता है। ये तो परंपरा है, ये हेल्दी परंपरा। हम तोड़ के हम जो मनमानी करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ नंबर ज़्यादा बढ़ गए इसलिए हम कार्यवाही चल रहा, सदन का कार्यवाही बाधित करते, ये ठीक नहीं है, प्रजाप्रभुत्व के लिए ठीक है। देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाशा बना के रख दिया है। देश की रेलवेज जो हैं वो किस बदहाली के साथ चल रही हैं, उनके हादसे हो रहे हैं, लोग किस बुरी तरह सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की स्थिति ये है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार के मंत्रीगण ना तो उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज बची है, ना वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डिस्कस अबाउट द वोट ऑफ थैंक्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट अदर थिंग्स कैन फॉलो। सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस पेपर लीक के मामले में और दोबारा से आश्वस्त करने के लिए देश के स्टूडेंट को आप सबसे पहला कोई डिस्कशन, अगर आप ईमानदार हैं पेपर लीक के मामले में, तो करना चाहिए।